हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज आप मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल की एक ऐप के बारे में, जिससे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी की फोटो की जो क्लिक करते हैं ना, उसके मतलब क्या बोल सकते हैं, फोटोज खींचने को बहुत ही हाई लेवल तक ले जाएंगे। मतलब एक प्रो लेवल तक, आप एक प्रो लेवल तक की फोटोग्राफी कर पाएंगे और उस प्रो लेवल की फोटो को क्लिक कर पाएंगे अपने सैमसंग गैलेक्सी के अंदर। जैसा कि आपको पता होगा, आपको सैमसंग गैलेक्सी के अंदर एक एक ऐप मिलती है एक्सपर्ट रो करके, जो कि कुछ कुछ मॉडल्स पर ही सपोर्ट करती है, ज़्यादातर एसेरीज में ही रहता है। तो इस ऐप के अंदर क्या शानदार फीचर्स होते हैं, जिससे आप अपने मोबाइल की जो फोटोज हैं उसको एक एट प्रो लेवल तक क्लिक कर पाएंगे, उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करने। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल के एक एक्सपर्ट रो के बारे में, जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी के अंदर मिलता है, जिससे काफ़ी हद तक फोटो को आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाऊँ मैं एक्सपर्ट में, तो एक्सपर्ट रो एक अलग से बन जाता है, जिसके अंदर सिर्फ फोटो को ही क्लिक होता है, उसमें ना वीडियो बनेगी ना कुछ होगा, सिर्फ फोटो को ही क्लिक होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसको, आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। फर्स्ट इसमें iOS दिखेगा, जो कि ऑटो में, अगर आप इसमें सेट आउट करना चाहें तो सेट आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद स्पीड आ जाएगी, स्पीड को आप मेंटेन करना चाहें तो वो मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर EV इसका जो भी है वो मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं। फोकस को आप मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर W, मतलब पूरा जो प्रो मोड होता है ना यार, पूरी रियल में जो प्रो मोड की फोटोग्राफी होती है ना, वो सिर्फ इसी के अंदर होती है, और आप इससे प्रो फोटो खींच सकते हैं। अगर आप एक कैमरा, अगर ट्रू लवर या मतलब फोटोग्राफी को शौक रखते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके काम की ऐप है। यहाँ पर आपको ऐसा मिलेगा, और ये फोटो एक्चुअल में काम क्या करती है, किसी फोटो को जब आप लो लाइट में क्लिक करते हैं ना, तो उसकी ब्राइटनेस को यहाँ पर बढ़ाती है। तो मैं आपको एक फोटो को लो लाइट में खींच के बताता हूँ, तीनों मोड में। तो पहले लाइट को ऑफ करता हूँ, मैंने लाइट ऑफ कर दी है। तो सबसे पहले मैं अपने नॉर्मल कैमरे से इस फोटो को, यहीं की यहीं फोटो को क्लिक करता हूँ, और आपको तीनों मेथड बताऊंगा, तीनों की फोटो आप देखें कितना अंतर है। ये नॉर्मल मोड में हो गई, अब एक इसी में नाइट मोड आता है। ये नाइन मोड में हो गई, और अब मैं खींच रहा हूँ एक्सपर्ट रो में, जो कि मेन जिसके लिए एक्सपर्ट रो बना गया है। तीनों जगह से ये फोटो को क्लिक कर लिया है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, यहां पर ये नॉर्मल फोटो जो मैंने खींची नॉर्मल कैमरे से, ये मैंने नाइट मोड से खींची है, ये फोटो मैंने खींची है एक्सपर्ट रो से। आप देखेंगे यहाँ पर ये फोटो की क्वालिटी कितनी शानदार आई है, लो लाइट में खींची गई है। और अब मैं दूसरी फोटो दिखाऊं, जो कि मैंने खींची है यहाँ पर नॉर्मल से, ये वाली कहाँ गई है। सबसे पहले नॉर्मल से ये वाली फोटो आई, उसके बाद ये फोटो आई नाइट मोड में। आप देखेंगे ये फोटो मैंने नाइट मोड में खींची, नाइट मोड में ऐसी फोटो आई। उसके बाद जो मैंने रॉ से खींची है या एक्सपर्ट रो से फोटो खींची, वो ऐसी आई। तो फोटो की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी शानदार यहाँ पर फोटो आ रही है। फोटो में कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ गलत आया हो, फोटो बहुत शानदार है। अभी मुझे उसकी सेटिंग भी एक्सपर्ट की ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है, बट अगर आप उसको अच्छे से सेटिंग्स करके फोटो को क्लिक करेंगे तो फोटो डेफिनेटली बहुत आती है। और बहुत सारे इसमें मोड्स दिए हुए हैं, सेटिंग में भी जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे इसमें मोड्स मिल जाएंगे। आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ी बात क्या करते हैं, जब भी आप इसमें फोटो को क्लिक करते हैं ना, वो दो फोटोज सेव होती है, एक रॉ फाइल और एक नॉर्मल फाइल। रॉ मतलब रॉ फाइल वो होती है जो भी लेटेस्ट आपके फोटोज एडिटर है ना, सब में वो फोटो, आप उस वाली फोटो को एडिट भी कर सकते हैं और अच्छे से फोटो को एडिट कर पाएंगे। और एक होती है नॉर्मल JPEG, जो कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी दो फोटोज, एक फोटो क्लिक करी तो आप देख रहे होंगे, एक में रॉ लिखा हुआ आ रहा है, एक में नॉर्मल, दोनों एक ही जगह पे एक ही फोटो क्लिक करी है, बट दोनों को यहाँ पर ये इस तरीके से बता रहा है। तो भाई ये फोटोग्राफिकली बहुत ही शानदार ऐप है, इससे आप बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये फिलहाल एस सीरीज के लिए और यूज है, अभी एस सीरीज वालों को ही दिया, अभी उसके अलावा भी उन्होंने अलाउड नहीं किया गया, बट डेफिनेटली यार ये मुझे बहुत ही शानदार लगा ऐप। बहुत बड़ा ऐप है पर बहुत अच्छा काम करता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे नई अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो हमें डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं।
सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।